he attended Christ Hospital School where he met his lifelong friend फ्रेंड कॉलरिज तो Christ Hospital School इन्होंने अटेंड किया था वहाँ पे इनको सैम्यूल टेलर कॉलरिज मिले जो ये दोनों फिर लाइफ लॉन्ग तक दोस्त रहे ही हैज्सो रिटर्न ए ब्यूटिफुल एसे टॉकिंग अबाउट इस मीटिंग विथ कॉलरेज तो इन्होंने सैमुअल टेलर कॉलरेज के साथ जो मीटिंग है इनकी उसके ऊपर एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऐसे भी लिखा है ही वर्कड एज ए क्लर्क इन द साउथ सी हाउस साउथ सी हाउस में एज ए क्लर्क इन्होंने काम किया था साउथ सी हाउस क्या है इट इज़ ए कंपनी विच यूज टू कैप अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द कॉलोनाइज कंट्री जो कॉलोनाइज कंट्री जिनको ये अंडर करते थे कॉलोनाइज करते थे उन कंट्रीज के मेनूस्क्रिप्ट अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स इसके अंदर रखते थे ओके एंड जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले जो कंपनी थी इज कॉल्ड साउथ सी हाउस तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले वाली कंपनी जो जिसका नाम था जो कॉलोनाइज करती थी दूसरे दूसरे आ, स्टेट्स को कंट्रीज़ को जाके तो वो उसका नाम था साउथ सी हाउस ओके एंड लेटर ही आल्सो वर्क एज ए क्लर्क इन द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर थर्टी इयर्स उसके बाद में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में काम शुरू करना शुरू कर दिया तीस साल तक इन्होंने वहीं काम किया एंड ही लिव्ड विथ ही सिस्टर मैरी तो वो अपनी सिस्टर मैरी के साथ रहते थे हु किल्ड हर ओन मदर इन ने फिट ऑफ तो एनजाइटी में अपनी ही माँ को उसने मार दिया था एंड चार्ल्स लैम नॉट एबल टू मैरी जस्ट बिकॉज ऑफ हिज सिस्टर टू डेंजरस टू लिव विथ तो वो उन्होंने हमेशा शादी नहीं करी क्यों नहीं करी क्योंकि जो उनकी बहन थी उनके साथ रहना बड़ा डेंजरस था इसीलिए उन्होंने अपनी बहन की केयर करने के लिए शादी नहीं करी एंड चार्ल्स लैम ऑल्सो सफर फ्राम एन्जाइटी फॉर सिक्स मंथ्स वो भी इसी एन्जाइटी के साथ सिक्स मंथ के साथ तक रहे एंड ही बिगेन ड्रिंकिंग एंड लेट ए ही स्टार्टेड रीडिंग द वर्क ऑफ रॉबर्ट बर्टन एंड रॉबर्ट बर्टन कॉल मिलन एंटनी एंटमिनी ऑफ मिलन चोली एंड सर थॉमस ब्राउ ने व क्रिलिगो मेडिसी उन्होंने पढ़ना शुरू किया एंड ही वॉज डिजेक्टेड बाय इन लव बाई सीम्स एंड सीमोन्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था तो ये उनका काफ़ी उन्होंने अपनी राइटिंग्स में भी ये लिखा है और ड्रीम चिल्ड्रन एरीविरी ड्रीम चिल्ड्रन एरीविरी इज एन ऑटोबायोग्राफिकल एसे ये विल चार्ल्स लैम का ऑटोबायोग्राफिकल एसे है तो ये आपको याद रखना है इनकी जीवनी के ऊपर जो लाइफ के ऊपर ये इम्पॉर्टेंट सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ओके जो इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो प्लीज़ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अभी तुरंत तो सब्सक्राइब कर लीजिए आपको सारा यू नेट का सिलेबस एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत ही डिटेल में मिल जाएगा आपको कहीं पे भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है एक एक राइटर जो भी इम्पॉर्टेंट है हम सारा करेंगे इसी ही प्लेटफॉर्म पर तो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे इनके लाइफ के ऊपर वो एक बार देख लेते हैं तो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विच नाइनटीन सेंचुरी इंग्लिश राइटर सेट दैट ही हैड सक्सीड एज ए राइटर

क्या कनेक्शन था ही वॉज क्लर्क इन साउथ सी हाउस हमने देखा कि वो क्लर्क थे साउथ सी हाउस जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम है एंड दैट मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया तो वो रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स तैयार करते थे क्योंकि फॉर ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया और ये सी वे क्लर्क थे तो ये इनका कनेक्शन था द नेक्स्ट लेट इज डिस्कस अबाउट द वर्क्स ऑफ चार्ल्स लैम तो चार्ल्स लैम के वर्क करते हैं एक ही वीडियो में हम चार्ल्स लैम कंप्लीट कर देंगे तो नो no इश्यू बहुत ही आपको इंटरेस्ट के साथ लिटरेचर आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और बहुत ईजी लगेगा इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि नेट कैसे होगा बहुत ही ईजी तरीके से आपका आराम से हो जाएगा तो फर्स्ट वर्क करते हैं टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1807 ये कब पब्लिश हुआ 1807 में एंड इट इज़ ए चिल्ड्रंस बुक ये क्या है चिल्ड्रंस बुक है एंड रिटर्न टुगेदर बाय चार्ल्स लैम एंड सिस्टर मैरी तो ये दोनों ने भाई बहन ने मिल के ही लिखा था एंड इन दिस वर्क ही हैज़ ट्राई टू मोल्ड द शेक्सपियर टेल्स अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन और इन्होंने बच्चों के हिसाब से जो शेक्सपियर की स्टोरीज है उनको मोल्ड किया है मतलब उनको बनाया है ओके okay? बच्चों के हिसाब से उनको मोल्ड किया है एंड मैरी लैम रोट ऑल द कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर मैरी लैम ने सारी कॉमेडीज लिखी है शेक्सपियर की एंड चार्ल्स लैम रोट ऑल द ट्रेजडीज लैम ने इसकी सारी ट्रेजडीज लिखी है तो इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ ट्वेंटी स्टोरीज इसमें इन दोनों ने ट्वेंटी स्टोरीज लिखी है द नेक्स्ट इज यस ऑफ इलिया वन ऑफ द फेमस राइटिंग ऑफ चार्ल्स लैम एसिस ऑफ एलिया एंड इट इज पब्लिश इन एटीन ट्वेंटी थ्री इट वॉज पब्लिश इन एटीन ट्वेंटी थ्री एंड इट इज ए कलेक्शन ऑफ एस एस ये क्या है एक कलेक्शन ऑफ एस एस है ये एटीन ट्वेंटी थ्री में पब्लिश हो गई थी और इसी का दूसरा एडिशन आया था द लास्ट एस एस ऑफ इंडिया पब्लिश इन एटीन थर्टी थ्री तो दस साल का ट्वेंटी थ्री थर्टी थ्री याद रखना चार्ल्स लैम से रिलेटेड है ट्वेंटी थ्री थर्टी थ्री बिल्कुल याद रखना है आपको इसमें ऑप्शन नहीं है जो भी आपको नोट्स दी जा रही है वो ऑलरेडी इतना शॉर्टकट करके हम दे रहे हैं और ऊपर से आप यू सोचेंगे मैं ये भी ना करूँ वो भी ना करूँ तो नहीं चलेगा तो आपको अगर क्रैक करना है तो इतनी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी तो ये ज़रूर आप याद रखें कि एटी ट्वेंटी थ्री में एस एस ऑफ इंडिया फर्स्ट एडिशन आया था पब्लिक इशू हुआ था और सेकेंड एडिशन आया था एटीन थर्टी थ्री जिसका नाम उन्होंने रखा था द लास्ट एसेस ऑफ एलिया एंड इट वॉज पब्लिश इन टू वॉल्यूम्स टू वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ था एंड द फर्स्ट वॉल्यूम वॉज कॉल्ड एसेस ऑफ एलिया एंड द सेकेंड वॉल्यूम इज़ कॉल्ड लास्ट एसेस ऑफ एलिया तो ये दो वॉल्यूम्स आपको दोनों ही याद रखने हैं ऑल दिस एसेस अपेयर इन लंडन मैगजीन और सारे जो एसेस हैं इनके वो अपियर हुए थे किस में आए थे लंडन मैगजीन्स में और चार्ल्स लैम इज एलिया वेर चार्ल्स लैम इज एलिया वेर एज सिस्टर मैरी लैम इज कॉल कजन ब्रिजेट तो सिस्टर मैरी जो है वो कजन ब्रिजेट मिली बनी है और चार्ल्स लैम इसमें एलिया बने हैं लेट अस डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट एसेस ऑफ चार्ल्स लैम इम्पॉर्टेंट एसेस आर द फर्स्ट वन इज़ साउथ सी हाउस अब साउथ सी हाउस तो आपने रख लिया इतनी देर से कि साउथ सी हाउस ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम है नाम है नाम है तो याद रखें ये आते ही समझ जाना कि चार्ल्स लैम ने ही लिखा है तो फर्स्ट इसका है टॉक्स अबाउट हिज जॉब एज ए क्लर्क इन द कंपनी कॉल साउथ इज हाउथ इस इन्होंने इसमें अपनी जॉब के बारे में बताया है ये क्या क्या वहाँ करते थे कैसे करते थे कैसे प्रोसेस होता था तो वो इन्होंने इसमें बताया साउथ से हाउस में द नेक्स्ट वर्क इज क्रिस्ट हॉस्पिटल द नेक्स्ट वर्क इज़ क्रिस्ट हॉस्पिटल फाइव एंड थर्टी ईयर्स एगो तो क्रिस हॉस्पिटल फाइव एंड थर्टी ईयर्स एगो इन दिस ही हैज़ टॉक्स अबाउट हीज मीटिंग विध कॉलरेज मीटिंग विथ सैमिलेलर कॉलरेज इन क्रिस्ट हॉस्पिटल तो इसमें ये अपनी मीटिंग जो उनकी मुलाकात हुई थी सैमिल टेलर कॉलरेज तो बाद में इनके लाइफ लॉन्ग फ्रेंड बने थे बहुत ही अच्छे दोस्त थे दोनों तो इनके बारे में इनकी मीटिंग के बारे में ये बताते हैं द नेक्स्ट वर्क इज ड्रीम चिल्ड्रन ड्रीम चिल्ड्रन नेक्स्ट वर्ड क्या है ड्रीम चिल्ड्रन तो ड्रीम चिल्ड्रन में इन दिस ही इज इमेजिनिंग दैट ही इज हैविंग चिल्ड्रन विथ एन ए सिम एंड सिमोन्स तो इसमें ये इमेजिन कर रहे हैं सपना देख रहे हैं कि इनके बच्चे हैं एन सिमोन्स और इनके जो इनकी गर्लफ्रेंड थी एन सिमोन्स इनसे ये शादी नहीं कर पाए थे अपनी बहन के कारण तो वो उनके और इनके बच्चे हैं एंड इन दिस ही इज़ डिस्कसिंग द ट्रेड्स ऑफ हिज चिल्ड्रन तो इसमें ये अपने बच्चों के ट्रेड के बारे में बात करें द नेक्स्ट वर्क इज़ इम्परफेक्ट सिम्पति द नेक्स्ट वर्क इज़ ऐसे इज इम्परफेक्ट सिम्पति नेक्स्ट ऐसे है एंड इसके थीम्स आपको याद रखने हैं जो भी इम्पोर्टेंट है हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं नॉट मोर देन दैट तो इसमें इनका जो थीम्स है वो है अरनेसनेस कंटेम्प्ट एंड एंगर इम्परफेक्ट परफेक्ट का जो थीम्स है वो है अर्नेस्ट, कंटेम्प्ट एंड एंगर ओके तो ये आपको याद रखना है द नेक्स्ट वर्क इज़ ए डेजर्टेशन अपॉन रोस्ट पिग अब डेजर्टेशन क्या होती है जैसे हमने एम एड करी पीएचडी करी तो हम एक थीसिस लिखते हैं जैसे कि शॉर्ट स्मॉल लेवल पे उसको हम डेजर्टेशन बोलते हैं जैसे हमने एम एड करी मास्टर तो डिग्री हम करते हैं तो हम एक डेजर्टेशन बनाते हैं उसके बाद में अगर हम पीएचडी कर रहे हैं तो हम थीसिस लिखते हैं तो ये डेजर्टेशन किसके ऊपर है रोस्ट डेजर्टेशन अपॉन रोस्ट पिक के ऊपर है एंड इट इंक्लूड चार्ल्स लैम बायोग्राफी एंड इज़ वर्क तो इसमें चार्ल्स लैम की बायोग्राफी के बारे में बात करी गई है और उनके वर्क्स के बारे में और इन्होंने इसको ट्विस्ट करके रोस्ट पिक पे भी काफ़ी इस पर डिस्कस किया है कि कैसे लोग इसे पालते हैं फिर इनको तो मतलब अपने भोजन में यूज करते हैं तो वो भी इन्होंने इसमें डिस्कस किया है द नेक्स्ट इज द प्रेस ऑफ चिमनी स्वीपर्स द प्रेस ऑफ चिमनी स्वीपर्स एंड इन दिस ही रिलेट्स द स्टोरी ऑफ ए चिमनी स्वीपर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ़ दैट स्मॉल चिमनी स्वीपर बॉय तो इसमें ये ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से है जो हर बात अलग अलग होती है जैसे मैं कोई भी डिस्कस करूँगी तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने तरीके से अपने वे ऑफ थिंकिंग से मैं आपको बताऊँगी आप अपने वे ऑफ थिंकिंग से बताओगे तो इसमें हम उस छोटे से बच्चे की वे ऑफ थिंकिंग और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम चिमनी स्वीपर जो है वो स्टोरी बताता है एंड द स्पीकर टेल्स अबाउट हिज कंडीशन है एज ए चिमनी स्वीपर तो जो स्पीकर है वो उनकी कंडीशंस बता रहा है एंड सेज दैट आफ्टर हिज मदर्स डेथ हिज फादर सोल्ड हिम तो छोटा सा बॉय है वो बताता है कि भाई मेरे माता जी की डेथ हो गई मेरी माँ की मेरी मृत्यु के बाद में मेरे पिताजी ने मुझे बेच दिया एंड ही स्मॉल दैट ही कुड नॉट इवन से वर्ड स्विप तो वो इतना छोटा सा मासूम सा बच्चा था कि वो ये स्विप पर शब्द भी नहीं बोल पा रहा था तो उसको उसके जो फादर थे उन्होंने बेच दिया था और इसका थीम है मिसरी डेथ एंड होप जिस आर द थीम्स ये थीम्स आपको याद रखना सारा ही इम्पोर्टेंट है अब मैं मैंने जैसे बोला कि कितने स्टार्स बनाऊँ कि भाई सारा ही जितना एग्ज़ाम्स में इन्हीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे तो सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट ही हमने इसमें डाला है तो ये क्या नाम है आपको जो भी है ये सारा ही पढ़ना है इसमें ऑप्शन नहीं है कि मैं इतना ही करूँ या उतना ही करूँ तो ऑलरेडी ये बहुत कम है ठीक है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा है तो नेक्स्ट है हमारा ओल्ड चाइना बचपन से हम बुक्स पढ़ते थे हमारी बुक्स में भी ओल्ड चाइना स्कूल टाइम में था तो इसके बारे में पढ़ते हैं ओल्ड चाइना क्या है इट डील्स विद लॉन्गिंग फॉर द ओल्ड टाइम्स इन पोवर्टी एंड द अनफुलफिलिंग एंड ऑफ बाइंग न्यू थिंग्स इन द प्रजेंट प्रॉस्परस कंडीशन तो उस टाइम पे हम जो भी इच्छाएं करते थे नहीं खरीद पाते थे इसलिए देख के अपना मन संतुष्ट कर लेते थे कि ठीक है इन दिस दिसम पॉइंट आउट पॉइंट्स आउट हीज़ लव फॉर चाइना वेयर एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन पेंटेड ऑन तो इसमें वो बताते हैं कि कैसे वो उनको अच्छा लगता है चाइना वेयर जो आइटम्स होते हैं एंड जो उन पर आर्टिस्टिक जो एक्सप्रेशंस बने होते हैं पेंटेड करे होते हैं वो उनको बहुत ही पसंद है वो उनको आकर्षित करते हैं अपनी तरफ तो ये उन्होंने ओल्ड चाइना में बुलाया है तो क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं इस पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं द क्वेश्चन द फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेस ऑफ चिमनी स्वीपर इज तो प्रेस ऑफ चिमनी स्वीपर क्या है इट इज एस एसे रिटर्न बाय चार्ल्स लैम तो आपको टिक करना है इट इज एस एसे रिटर्न बाय चार्ल्स लैम द नेक्स्ट इज एससेस ऑफ इंडिया द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ जो ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमने कहीं से नहीं बनाए हैं ये लास्ट ईयर्स के पेपर में ही यू जी नेट के आए रखे हैं तो जितने भी क्वेश्चन आए थे ये सारे पेपर्स में से लिए गए थे तो इनको इग्नोर नहीं करना है आप बाद में भी पढ़ोगे उन पेपर्स को देखोगे तो क्यों ना अभी से कर लें हम साथ में तो आपको भी इंटरेस्ट करेक्ट करने में भी मज़ा आएगा और आपको खुद आंसर करने में भी समझ में आएगा तो इसीलिए मैं साथ के साथ आपको करवा रही हूँ ताकि आपको ये बाद में इशू ना रहे कि भाई हाँ हमने ये नहीं किया था वो नहीं किया था हाँ हम सारा कुछ कर रहे हैं इसमें ही क्वेश्चन आंसर्स भी हम एक एक टॉपिक के बाद में डिस्कस कर रहे हैं और हमारे जो नेट पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी सिलेबस है हम सारा इसी में कवर करेंगे तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस ऑफ इंडिया आर एस एस ऑफ इलिया क्या है द आंसर इज पर्सनल इंप्रेशन ऑफ चार्ल्स लैम चार्ल्स लैम का पर्सनल इंप्रेशन है ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस एस ऑफ इलिया वज पब्लिश्ड इन विच ईयर तो एस एस ऑफ इलिया कब पब्लिश हुआ था एटीन ट्वेंटी थ्री देखो ये क्वेश्चन आया था मैंने पहले ही बोला था एस एस ऑफ इलिया कब पब्लिश हुआ एटीन ट्वेंटी थ्री में एंड द लास्ट एस एस ऑफ इलिया कब पब्लिश हुआ एटीन थर्टी थ्री में तो थर्टी थ्री ट्वेंटी थ्री याद रखिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्पिटेंस टू एज इज कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं हम बड़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं भूल जाते हैं कि ऊपर क्या लिखा था नीचे क्या लिखा था तो कन्फ्यूज नहीं होना है उसमें से ही हमें पॉइंट पकड़ना है कि कौन से राइटर के बारे में बोल रहे थे तो इसमें क्वेश्चन है कॉम्पिटेंस टू एज इज सप्लीमेंट्री टू यूथ सप्लीमेंट इन इन डी दैट फीयर द बेस्ट that is to be had we must ride where we formerly walk live better and be softer and make our life easy to live and then we have means to do in the good old age you speak of the answer is this is taken from old china Ye old china is a speaker is lamb and he is saying it is a कजन ब्रिडजेट जो मैरी बनी है ना तो वो बोल रहे हैं तो कल हम करेंगे थॉमस डिक्विन से आज हमारा ये चार्सलाइम आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है थैंक यू फॉर वाचिंग प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आई चैनल इससे हौसला मिलता है मोटिवेशन मिलता है और बेहतर करने का एक जज्बा पैदा होता है अपने अंदर तो आप सिर्फ मोटिवेशन देते रहिए हौसला देते रहिए लाइक करिए शेयर करिए अपने ग्रुप्स में और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा तो बाक़ी हम संभाल लेंगे आपको आपका बिल्कुल भी हौसला डाउन नहीं होने देंगे और आपकी प्रिपरेशन को बिल्कुल बेस्ट बेस्ट और रखेंगे तो थैंक यू फॉर वाचिंग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होती है तो ये आप कट मत करिए और इसके बाद में स्लाइड ज़रूर देखिए वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर्स वे में स्लाइड्स दी गई है ताकि आपका जो भी डाउट्स इसमें ना क्लियर हो वो वहाँ पे क्लियर हो जाए थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव ए ग्रेट डे